Among anything, do you want to speak in this vlog? मेरा ही व्लॉग है भाई। एक टायर दिया मैंने, ये लेज उसको देख के आएगा, देखो जूम करके दिखाता हूँ, वो बंदी बैठी है ब्लू वाली, हाँ बस उसको ही के वजह से, इसके वजह से हम दोनों को भी निकाल दिया क्लास के बाहर। ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, आई होप सो यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो नया दिन वापस आ चुके हैं हम लोग अपने ठिकाने पे, जैसे रोज आते हैं, बस व्लॉग बनाने के लिए आता गाइस और कुछ नहीं करता और था ये। तो व्लॉग तो भाई आएंगे तो बनाएंगे ही ना, कैसी बात कर रहा है। और आज हमारे कॉलेज में कुछ स्पेशल डे है, आज कॉन्वोकेशन है। तो आज कौन कौन आने भाई आने वाला है भाई कॉलेज में? आज सुना वो जो सोनू सूद आ रहा है, और कौन आ रहा है? सोनू सूद जी, क्योंकि उस सोसाइटी के मैं आ रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ हम लोग तो आए हैं, हमारे अलावा इज आल्सो बिकॉज हम लोग हैं यहाँ पे, तो स्पेशल है ही भाई। दूसरी बात ये कॉन्वोकेशन, तेरे को ज्ञान देने नहीं बोला था, कौन आ रहा है वो बोल। ज्ञान मैं दे ही रहा हूँ ये लोग को। सोनू सूद और कौन आ रही है, लड़की कौन आ रही है? थाली आ रही है, औरत तो, और तो मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा भाई आ रहा है। तो भाई अभी जा रहे हैं अंदर और पारुल की सच्चाई देखनी है। तो ये देखो सिस्टम, यहाँ कॉलेज है बाजू में और यहाँ ही सिस्टम है। क्या है भाई ये कुछ लिखा है, समझाएगा भाई क्या लिखा था? ये लिखा हुआ गाइस, अगर आप ज्यादा पढ़ोगे ना तो जो आप लोगों को इग्नोर करते हो नहीं कर पाओगे। अच्छा इसने बोला और यही समझा। इसी ने बोला और यही समझा भाई। तो भाई आज हम लोग कोई दूसरे गेट से घुसे, कोई दूसरे नहीं एक ही से घुसे गाइस। ये बहुत उल्टा बोल रहा आज ब्लॉग में, कुछ सही नहीं भाई, उल्टा नहीं सही बोल रहा हूँ भाई। रोज पीछे से घुसते शायद आगे से दिखा देना पारुल का प्रेमी वाला पॉइंट। ये देखो सुरंग पारुल के, अरे ये देख लो भाई सुरंग पारुल यूनिवर्सिटी। सुरंग नहीं है गाइस, लवर पॉइंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लवर पॉइंट। लवर पॉइंट तो उन लोग के लिए ना जिनकी लवर है, हम लोग का तो क्या ही होगा भाई, हम लोग तो होना चाहिए ना कुछ पारुल लवर पॉइंट यहाँ। लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, बिना मंदिर में कोई बैठा ही नहीं है भाई, यहाँ अकेले नहीं बैठे। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। अकेला कोई बैठा ही नहीं है, मन में दो दो लोग बचे होंगे, मन में दो दो वो दो की आने वाली होगी बंदी, इसलिए अकेले बैठे वो लोग यहाँ। पता है मैं पिछली बार आया था ना तो ऐसे इधर लड़के बैठे दिखे मेरे को, और जब मैं आगे आ गई तो सामने लड़कियां बैठी थी, तब मैं आना। अरे हम लोग ने बोला यहाँ पे तीन लड़के ही बैठे भाई, हम लोग के जैसे भी लोग बैठते, आगे देखा तो तीन लड़की सामने ही बैठी हुई थी, बोला भाई जबरा सिस्टम है। ये देखो कॉन्वोकेशन की तैयारी चल रही है वहाँ पे। क्या तैयारी चल रही है? होगी तो तैयारी हो रही है ना डेकोरेशन। तो गाइस हमारे सिस्टम मिल गए यहाँ पे अभिजीत भाई। दो तीन रात से सोया नहीं है बस। क्यों भाई काम में ज्यादा ही व्यस्त? हाँ, तो क्या भाई क्या हो रहा है आज कॉलेज में? नया नया ही हो रहा है कुछ। चलो भाई मिलते हैं। ओके सो गाइस आज सिस्टम काम कर गया हमारा, आज हम लोग 9 बजे क्लास में 9:40 हो गए फिर भी आ गए सिस्टम। आई एम क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वाह भाई वाह, ये लोग को सब्जेक्ट ही नहीं मालूम अभी कौन सा चल। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। तो भाई इसको टास्क, इसको डेयर दिया एक, अगर इसमें गुर्दा है तो ये लेज वो बंदी के लिए लाए, उसको देके आएगा एकदम क्लोज कट ले उसका, मतलब एकदम बैग से निकल रहा है लेज। इसको लेज एक टायर दिया मैंने, ये लेज उसको देखे आएगा, देखो जूम करके दिखाता हूँ, वो बंदी बैठी है ब्लू वाली, हाँ बस उसको ही है गुर्दा, तो करके दिखा बेटा जोर है तेरे में तो कर दे। अबे जोर है तो, अबे मैं होता ना ऐसे किया होता, ऐसे किया होता चिप्स है भाई, तू कोई ड्रग्स का वो नहीं कर रहा सप्लाई इधर उधर। अबे ड्रग्स थोड़ी देना है यहाँ से वहाँ, तेरे को जो देना है दे, तेरे में जो जितना जोर है, और कुछ भी देना है तो तू दे सकता है। वाह बेटे वाह, पार्टी बदल लिया इसने, इसको नहीं देना है बेटे उसको देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये क्या हो गया हमारे साथ,
अभी तक क्लास में थे हम 5 मिनट पहले। अपना सिस्टम क्रैश कर गया है एक लड़की के डेयर की वजह से। अगर वो डेयर पूरा हो जाता तो शायद हम क्लास से बाहर नहीं, शायद कैंपस से बाहर कर दिए। इसके वजह से हम दोनों को भी निकाल दिया क्लास के बाहर। अच्छा हुआ गाइस, अगर मैं उसको चिट देने जाता ना तो मैं सिस्टम से बाहर कर दिया, मतलब टीओ से बाहर कर दिया। इतना कुछ तो नहीं होता भाई, इतना लोड मत ले, तेरा पहली बार होगा, हमारा नहीं है। आशिकी देख लो गाइस। ओके सो गाइस, हम लोग फिलहाल अभी एथर के शोरूम में है, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो, तो देखने आए थे तो लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास तो है ऑलरेडी, ये लेने वाला है प्रांशु, तो अभी देखने आए थे तो देखते हैं क्या क्या है। मतलब मेरे को तो आइडिया नहीं है एथर के बालों में, मतलब कितने मॉडल्स है इसके, क्या है नहीं है। ओला के बारे में मेरे को मालूम भी था लेकिन इसके बारे में नहीं पता है, देखते हैं अभी क्या है नहीं है, तो बताता हूँ आप लोग को फिर। ये एथर एक्स है, 450X है। अच्छा सब्सक्राइब करा लूंगा भैया से भी बाद में। एक बहुत प्रॉब्लम रहती है इसमें, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, मतलब आगे दो है आपने, तो इसमें क्या आपको फोर उठने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सेकंड थिंग, इसका जो रियर सस्पेंशन है, जंपर है जो, वो सेंटर में है, सेंटर होने की वजह से क्या आपको तो जर्क नहीं लगेंगे। सेकंड थिंग, ड्राइविंग कम्फर्टेबल रहेगा, बैलेंसिंग प्रॉपर रहेगा। उसमें क्या है, एक साइड पे है जंपर, ओला में आपने देखा होगा तो उसमें एक साइड है जंपर, उसमें बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं रहता। थर्ड डिफरेंस अगर बताऊँ आपको तो डिस्क ब्रेक, सबसे पहले तो डिस्क ब्रेक इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आगे लेफ्ट में पीछे राइट में, उससे फर्क ये होता है कि गाड़ी आपकी ब्रेक, आप डिस्क ब्रेक आप यूज कर रहे हो तो गाड़ी स्लिप नहीं होती, ओला में स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि एक साइड ब्रेक है उसकी। तो और दूसरा कि जैसे इसका फ्लैट फ्लोर है, अगर आप ओला में देखो उसका नीचे बंप आता है, हाँ जनरली आपको कुछ अगर आगे सामान रखना तो आप नहीं रख सकते। मेन डिफरेंस सबसे बड़ा खास क्या है, 30% बैटरी जब रहती है उसमें तो परफॉर्मेंस एकदम ड्रॉप आउट हो जाता है ओला में। हाँ, इसमें अगर 70% भी बैटरी रह गई है। हाँ नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम, वो टेक्निकल एरर है। और इसमें 17% अगर बैटरी रहती है तो अगर इको मोड पे चल रही है तो इको मोड 0% बैटरी तक भी 40-50 की जो स्पीड है वही रहेगी। तो ये थर वही वाला मॉडल है ना, ये उसका ग्रे कलर है, 450 प्लस है। और वो व्हीकल सेम ही, दोनों लुक वाइज सब सेम ही है सर। तो प्लस में और इसमें क्या फर्क है, उसमें रेंज का फर्क है। अच्छा गाइस, अभी एथर का टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकले हम लोग, तो देखते हैं अभी इसका पिकअप कैसा है, क्या सीन है नहीं है। भाई पिकअप तो सेक्सी है भाई इसका। अरे एक तरफ क्यों जा रही है गाड़ी, एक तरफ जा रही है। अरे हल्का होगा हैंडल इसलिए ऐसा लग रहा होगा भाई। कहां तक ले जाने बोला था भाई इसको, कुछ बोला नहीं। हाँ तो अपने आगे से कट ले लेंगे। मैं तो बोलता इसी को ले लेते गाइस, एथर आ गई है नहीं घर पे, आगे से ले ले भाई राइट। कैसा मतलब चलाने में कैसा लग रहा है, स्पोर्ट्स मोड में डाला है इसको भाई, इतना खतरनाक पिकअप हो गया था ना इसका, अभी मैं गिरने वाला था भाई पीछे। हम लोग इकोनॉमी में चला रहे थे पहले। अबे टर्न कहाँ से, यहाँ से था टर्न, नहीं आगे से है क्या भाई, ब्लॉक चेंज को डिफेंडर जा रही है भाई। रुक जा, उड़ा रहा है तो मेरे को सीट बेल्ट लगा लेने दे, फिर तो देखना गाड़ी भाई ये इसका पिकअप बहुत खतरनाक है। ओके सो गाइस, अभी मैगडी आया था मैं, मतलब यार लाइट क्यों नहीं आ रही, हाँ इस साइड आ रही है। तो अभी हम लोग मैगडी आए थे कुछ खाने पीने, तो अभी खाने पीने का सीन हो गया। मेरे को याद है मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है, तो व्लॉग को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना भाई, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे फोटोज़ मैं डालता रहता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा होगा अभी, तो फॉलो कर लेना। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। 3-2-1 सिस्टम।
right, correct your system you had.